तुर्की में लॉकडाउन के सबब बहरानी सूरत हाल, लाखों अफराद ने वर्क अलाउंस के लिए दरखास्तें जमा करवा दी। तुर्क वजीरे लेबर एंड सोशल सर्विसेज कहते हैं कि इंतहाई जरूरतमंदों को तरजीही बुनियादों पर रकूम की तरसील की जाएगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से बहरानी कैफियत के शिकार अफराद ने हुकूमत से अपनी तनख्वाहों के हिस्से में से कम मुद्दती वर्किंग अलाउंस फराहम करने का मुतालबा किया है। अब तक 34 लाख से ज्यादा अफराद अलाउंस के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे चुके हैं और मजीद दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। इस हवाले से वजीर लेबर एंड सोशल सर्विसेज ने अपने बयान में कहा है कि 20 लाख से ज्यादा कंपनीज ने अपने 34 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के लिए स्कीम से मुतालिक दरख्वास्तें दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये दरख्वास्तें वजारत को बजरिया ऑनलाइन मौसूल हुई हैं, जिनका जायजा लेने के बाद इंतहाई जरूरतमंदों को तरजीही बुनियादों पर रकूम की तरसील की जाएगी। उर्स वजीर ने मजीद कहा है कि अहल कंपनियों को मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अलाउंस बतौर लाइफ लाइन अदा किया जाएगा ताकि बहरान के दौरान उन्हें फौरी माली मुआवनत मिल सके। उन्होंने बताया है कि मौसूल शुदा दरखास्तों में से 90% छोटी कंपनीज की जानिब से भेजी गई हैं, जिनमें से 50 से कम मुलाजमीन काम करते हैं।